बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने राजभवन में राज्यपाल विश्वकृष्ण हरिचंदन से मुलाकात की है। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि राज्यपाल से मेरे पारिवारिक संबंध है, इसलिए राज्यपाल को जगन्नाथ रथ यात्रा का निमंत्रण देने गया था। मंत्रिमंडल के नाम शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सभी विधायक मंत्रिमंडल के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिलहाल मेरी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहीं रायपुर जिले से मंत्रिमंडल में जगह मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा, राजधानी रायपुर में एक मंत्री होना ही चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है और पार्टी का निर्णय है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। सामाजिक दृष्टि से देख करके, सीनियर जूनियर देख करके करते हैं। मांगे तो सभी 54 विधायक कर रहे हैं कि हमको भी मंत्री बना दो, लेकिन सबके लिए तो संभव नहीं। 12 मंत्री बनना है, 10 बन चुके हैं, 2 बचे हैं, तो जिसके भाग्य में होगा, जिसको जगन्नाथ जी चाहेंगे वो मंत्री बनेगा। रायपुर महापौर एजाज डेवर डिप्टी सीएम और नगरी प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ कई पार्षद मौजूद रहे। दरअसल महापौर एजाज डेवर अरुण साव के निवास स्थान पहुंचे। मुलाकात में उन्होंने रायपुर के तथ्यपारा में शारदा चौक तक सड़क का चौड़ीकरण को लेकर चर्चा की, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार से नगर निगम को 50 करोड़ रूपये देने की मांग की है। एजाज ढेबर पार्षदों के साथ आज नगरी प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आखिर क्या मुद्दा है, किस मामले को लेकर यहां पहुंचे हैं, सीधे हम जानेंगे। महापौर एजाज ढेबर जी हमारे साथ है, ये आज मुलाकात करने वाले हैं, क्या है आखिर, क्या मांग है? देखिए, बात चौड़ीकरण को लेकर हम लोग यहां पर आए हैं और रायपुर नगर निगम के विकास के लिए, क्योंकि 4-5 महीने हमारे कार्यकाल को बचा है, उसको लेकर कुछ रायपुर नगर निगम में जो बचे हुए कुछ काम है उसके लिए पैसे मिल जाए। मगर जो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि चौड़ीकरण के लिए जो पिछली सरकार ने 137 करोड़ रुपए पास किया था, वो पैसा से काम चालू हो जाए। और रायपुर की जो सबसे बड़ी समस्या यातायात, सबसे बड़ा बाधित होता है जो बॉटल नेक है, आज वही वाला इलाका है फूल चौक वाला, तो कम से कम उसके लिए जल्दी से काम चालू हो जाए। पैसा पारित हो गया, इसके बावजूद कहाँ रुका है, मामला क्या है? इसमें मामला यही है कि जो एजेंसी जो होती है वो PWT है और आबादी जमीन में PWT एक सिंगल मुआवजा दे सकती है, डबल मुआवजा नहीं, मगर नियम यह है कि डबल मुआवजा देना। पिछली जब डबल मुआवजा हुआ, जब पिछले बार जब यह हुआ था रोड चौड़ीकरण, जब हम लोग ब्रह्मणपारा में जब हुए थे, तो उसको रायपुर नगर निगम ने किया था, तो रायपुर नगर निगम को वापस मिल जाए। एक चीज़ और, ये अभी चुनाव को लेकर रायपुर दक्षिण से भी आप लगात दावेदारी करें, क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा मुकाबला? देखिए, दावेदारी हर बार करते हैं मगर आप लोग हर बार बाइट लेते हो, मगर कहीं ना कहीं टिकट कट जाती है, तो इसलिए भैया इस बार कोई दावेदारी होगी तो हम लोग अपने संगठन में बता देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जरूर इस बार आप देखिएगा कि यहाँ पर दक्षिण में इस बार कांग्रेस का जो भी है विधायक बनेगा, चाहे मुझे टिकट मिली चाहे किसी को भी टिकट मिले, मुझे लगता है कि इस बार जो है वहाँ पर कांग्रेस के विधायक बैठेंगे। और जिस तरीके से अभी ये लोग पक्षपात करते हैं, 6 महीने में फिर ये लोग ने बीजमोहन को जिता के बीजमोहन जी को फिर सांसद बना दिया, तो वो जगह मतलब आदमी किस तरीके से आदमी पिछला चुनाव बृजमोहन अग्रवाल जी ने रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक? देखिए, आदमी के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है ये जो चुनाव, बहुत कुछ उनके आदमी के खुद का व्यक्तित्व भी निर्भर करता है। और आदमी का जब व्यक्तित्व, बृजमोहन जी का अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने उसमें चुनाव जीता और धन बल सब लगाते हैं, धन बल सब जितना चुनाव में जितने हथकंडे होते हैं सब अपनाते हैं। मगर इस बार भी मुझे लगता है कि जब जो कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट बहुत वो करेगा, अगर ये जरूर है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस वहां पर विजय हासिल करेगी। रायपुर के विकास की जो बात है, चौड़ीकरण जो होना है उसको लेकर मांग करेंगे ही, इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किस तरह से रायपुर दक्षिण की जो तैयारी है, इसके साथ ही निगम के जो चुनाव होने हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर भी इन्होंने कहा कि वर्तमान जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा बेहतर है पिछले जो प्रत्यक्ष प्रणाली की तुलना में। इस तरह से तमाम मुद्दों पर एजाज ढेबर ने अपनी बातें रखी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।